गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है डायग्रीन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह जो टॉपिक है यह एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यह रीसेंट क्लासिफिकेशन है। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि दो टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। पर सर रॉल्फ एम्प्टी डाहलग्रीन ने, जो कि एक कॉपनहेगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को 1975 में पब्लिश किया था। और उनके अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, रीसेंट या फिर इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके डिपेंडिंग यहाँ पर स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ को इस क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन में मेजर इंटरेस्ट जो अगर देखा गया है तो वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को देखा गया है कि वो पहले जो एंशंट हिस्ट्री में, एंशंट स्पीशीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं, प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट जो जनरेशन जो उस स्पीशीज़ में आते गए उसका जो इवोल्यूशन होते गया उसका फीचर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन में सर डाहलग्रीन ने टू डायमेंशनल ग्राफिक सिस्टम के बेसिस पे यहाँ इस सिस्टम या इस क्लासिफिकेशन को डिस्प्ले किया है। तो पहला है डेलिनोग्राम और दूसरा है बबल डायग्राम। डेलिनोग्राम में क्लासिफिकेशन को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है टेबल चार्ट के बेसिस पे, और बबल डायग्राम्स पे बबल्स के थ्रू, लार्ज बबल और स्मॉल बबल्स के थ्रू यहाँ पे इस ग्राफिक को समझाया गया है। तो बबल डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा विजिबल नहीं है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया गया है। डाहलग्रीन जो सर थे उनको फाइलोजेनेपी पे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। उनको इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें सब स्पीशीज़ को क्लासिफाई करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को कंसिडर किया और इस क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया। इस क्लासिफिकेशन में जो स्पीशीज़ है उनका जो कैरेक्टर्स है वो मॉर्फोलॉजिकल और फाइटोकेमिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में सुपर ऑर्डर्स का जो एंडिंग है उसमें आई फ्लोरी एंडिंग्स यहाँ पर सफिक्स यहाँ पे लगाया है यहाँ पे। तो जितने भी सुपर ऑर्डर्स यहाँ पर अगर एंड होते हैं तो इनका जो एंडिंग रहेगा वो हमें ई फ्लोरी करके हमें साउंड होगा या डिनोट करता है। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यह उसके कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है कि एपोकार्पी, सिंकार्पी और मोनोकार्पी, मतलब कि जो कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या आपस में फ्री भी हैं तो उस कार्पल को, साथ ही साथ जिसमें मोनोकार्पी एक ही कार्पल पाया गया है उस कंडीशन को, उस कैरेक्टर को यहाँ पे बेसिकली कंसिडर किया गया है। कोरिपेटली, सिम्पेटली, मोनो अपर्चर पोलन टाइप्स, सिम्पेटली, कोरिपेटली मतलब कि जो पेटल्स या जो सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, या जो पोलन जो रहते हैं वो मोनो अपर्चरेट मतलब जिसमें एक ही पोलन पाया जाता है, वो एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। स्लियर्ड इडियोब्लास्ट, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स के टाइप्स के बेसिस पे, ओव्यूल्स के डिवीजन के आधार पे बाई है या यूनी है, बाईटैगमिक या फिर यूनिटैगमिक। उसमें कुछ जो फ्लावर्स होते हैं या कुछ जो स्पीशीज़ होती है उसमें रैफिड्स और सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो रैफिड्स और सिलिका बॉडीज़ के प्रेजेंस पे भी कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है। कुछ स्पीशीज़ में एल्कनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसे भी इस स्पीशीज़ में कंसिडर किया गया है। अब अगर हम बात करें डेलिनोग्राम की, तो डेलिनोग्राम में एक टेबल चार्ट द्वारा इस जो क्लासिफिकेशन है या जो फाइलोजेनेटिक ट्री का जो क्रॉस सेक्शन है उसके द्वारा इस क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें जो ग्रुप्स हैं वो बबल्स से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि डिफरेंट साइज़, कोई लार्ज है कोई स्मॉल है, उसके बेसिस पर इसे रिप्रेजेंट किया गया है। और जो बबल्स आपस में, जैसे किसी का साइज़ अगर सिमिलर है, किसी साइज़ से सिमिलर होते जा रहा है तो वो इस सेम स्पीशीज़ में इसमें कंसिडर माना गया है, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ऐसा कहा गया है। लेकिन इस अगर बबल सिस्टम को हम देखें तो ये क्लियरली शोन नहीं है और ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं है।
अगर हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये सबसे ज़्यादा एक बेसिक एक्टस लाइक डायग्राम है, मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसकी बेसिस पर या उससे रिलेटेड यह क्लासिफिकेशन दिया गया है। यह है बबल सिस्टम। यह देखिए इस तरीके से लार्ज एक बबल है और एक स्मॉल बबल है, जिसमें ग्रुप्स को डिनोट किया गया है। एक बबल्स, एक लार्ज बबल्स के अंदर दो या तीन उसमें स्मॉल बबल्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक आता है एक क्लास, जो लार्ज बबल है वो क्लास को डिनोट कर रहा है, उसके अंदर आने वाले स्मॉल बबल है वो सब क्लासेस, ऐसे ये डिनोट करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं है और ना ही ये ज़्यादा विजिबल, क्लियरली विजिबल है, इसलिए ये इसे बबल सिस्टम को इसमें ज़्यादा कंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम डेलिनोग्राम की बात करें या टेबल चार्ट की बात करें, तो इसमें एंजियोस्पर्म जो है उसे हम कहते हैं क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, वो उसके दो सब क्लासेस हैं। मतलब एंजियोस्पर्म को यहाँ पर एक क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं मैग्नोलियोप्सिडा या फिर एंजियोस्पर्मी। वो एंजियोस्पर्मी क्लास सब क्लासेस में, टू सब क्लासेस में डिवाइडेड हैं, मैग्नोलीडी और लिलीडी। मैग्नोलीडी जो सब क्लास है वो डाइकॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, और लिलीडी जो है वो मोनोकॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डाइकॉट्स या मैग्नोलीडी की बात करें, तो इसमें 24 सुपर ऑर्डर्स हैं, 80 ऑर्डर्स हैं और 346 फैमिलीज इसमें इंक्लूड हुई हैं। अगर हम मोनोकॉट्स या लिलीडी सब क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 7 सुपर ऑर्डर्स हैं, 26 ऑर्डर्स हैं, 92 फैमिलीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर सुपर ऑर्डर्स की हम बात करते हैं, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है जैसे आई फ्लोरी, तो इस सुपर ऑर्डर्स में कोई भी जो एंडिंग हो रहा है तो वो आई फ्लोरी करके हमें साउंड करता है। तो ये थे डायलग्रीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इस यह जो सिस्टम है यह रीसेंट सिस्टम है, लेकिन इसे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया है। मोस्ट कंसिडर या मोस्ट एक्सेप्टेड अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो वो बेंथम होकर क्लासिफिकेशन ही दिया है। अगर हम मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करें, तो इसके मेरिट्स कुछ इस प्रकार हैं। इसमें एंजियोस्पर्म को ज़्यादा रैंक दिया गया है, नॉट जिम्नोस्पर्म। इस क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी जिम्नोस्पर्म का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें जो एंजियोस्पर्म है उसे, जो भी एंजियोस्पर्म की जितने भी जो फैमिली आते हैं वो सभी यहाँ पर प्लेस्ड है, कोई भी फैमिली इसमें छूटा हुआ नहीं है। अगर हम डेलिनोग्राम की बात करें, तो डेलिनोग्राम जो रहता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है सुपर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स और फैमिलीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए। तो डेलिनोग्राम यहाँ पर रिलेशनशिप को शो करता है, और बहुत ही ये यूज़फुल होता है कि कोई भी, जितने भी फैमिलीज़ हैं या स्पीशीज़ हैं वो आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। जो जितने भी इसमें ग्रुप है, इस क्लासिफिकेशन में जितने भी ग्रुप हैं उसमें रिलेटिव नंबर्स इसमें शो होता है, रिलेटिव नंबर्स इन द सेंस कि कोई भी सब स्पीशीज़ या कोई भी स्पीशीज़ इसमें छूटा नहीं है, हर एक स्पीशीज़ का इसमें जिक्र किया गया है। ये एक और यूज़फुल किस लिए होता है डेलिनोग्राम, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसमें तरह तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो हर एक स्पीशीज़ का हर एक अलग कैरेक्टर या अलग फीचर होता है। तो इस डेलिनोग्राम के थ्रू हम अलग अलग एंजियोस्पर्म में जो स्पीशीज़ आती हैं उसके कैरेक्टर को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो सुपर ऑर्डर इसमें रैंक किया गया है, सुपर ऑर्डर्स इसमें कंसिडर किए गए हैं, वो जो सुपर ऑर्डर है वो फैमिलीज़ और ऑर्डर्स की रियलिस्टिक अरेंजमेंट को शो करता है। तो ये थे कुछ मेरिट्स जो थे डायलग्रीन्स क्लासिफिकेशन के में। तो मेरिट्स में सबसे ज़्यादा यही दिखाया गया है कि जितने भी स्पीशीज़ हैं उसके कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स को उसकी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें कोरिलेट किया गया है, और इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बेसिस पे सभी स्पीशीज़ को अरेंज किया गया है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, तो इस डीमेरिट्स में इनका सबसे मेजर ड्रॉबैक्स ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स को इस सिस्टम में कवर किया गया है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म का जिक्र यहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ है। तो यह इसका मेजर ड्रॉबैक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स को किसी भी स्पीशीज़ को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में जो स्पीशीज़
यहाँ पर क्लासिफाई किए गए हैं वो फैमिली लेवल के बिलो यहाँ पे क्लासिफाई नहीं किए गए हैं, बिलो फैमिली लेवल यहाँ पर प्रोसीड नहीं किया गया है। तो हर्बेरियम बनाना, इस स्पीशीज़ का हर्बेरियम जो रहेगा, जो स्पेसिमेन जो हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसे हम हर्बेरियम या फिर प्रिजर्व करके हम एक असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो वो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू ये हम इसको नहीं कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ उनके फिज़िकल कैरेक्टर और उनके केमिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्पीशीज़ को या जो प्लांट्स हैं उसे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम रीसेंट कुछ मॉलिक्यूलर स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने जस्टिफाई किया है कि यहाँ पे कुछ और जो फैमिलीज़ हैं जिनका इस क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म की स्पीशीज़ में यहाँ पर प्लेसमेंट ज़रूरी है, जो इस क्लासिफिकेशन में यहाँ पर प्लेस्ड नहीं हुआ है। तो ये थी बात डायलग्रीन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ।